हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सद सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपंचं निरीहं गगन सदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहित सच्चिद् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणय गलित चित्तम जीव दुखा सहिष्णु हित सहज समाधि चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं रामकृष्णं भज। त्रेतायां राम रूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्त जीवन कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विघ्नन्ति ये भूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 53 22 सितंबर 1883 ईस्वी। श्री राम कृष्ण अधर के घर पर आए हैं कलकत्ता में। वहां पर ईशान नामक एक भक्त आए हैं, श्री राम कृष्ण के अत्यंत निकट के भक्त थे, और श्री राम कृष्ण ईशान के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। हमने इसे पढ़कर देखा था, खास करके ब्रह्म और शक्ति के संबंध में चर्चा हो रही थी, और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस अध्याय में श्री राम कृष्ण के विशेष संदेश सभी सार रूप में प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईशान से कहते हैं कि तुम जो अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हो, नेति नेति करते हो, यह आज के युग के लिए इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि संसार कली ये जो शरीर है वह अन्नगत है। यह शरीर देह बुद्धि आसानी से नहीं जाती। मैं ब्रह्म हूँ यह कहना ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको शरीर का बोध है शोभा नहीं देता। इस प्रकार से श्री राम कृष्ण कहते हैं, फिर कहते हैं इसीलिए तुम शक्ति को स्वीकार करो, कंडीशनड ब्रह्म, ब्रह्म शक्ति समन्वित ब्रह्म को स्वीकार करो, उसमें कोई बुराई नहीं, और उसके माध्यम से तुम ब्रह्म तक पहुंच जाओ। इसके बाद श्री राम कृष्ण कहते हैं भक्ति का भाव, भक्ति होना चाहिए प्रभु के प्रति, प्रभु को भगवान को प्रभु मानना और खुद दास मानना, यह एक बहुत अच्छा भाव। इसे भी मैंने पिछली बार कहा था कि यह एक बहुत श्रेष्ठ भाव है, हनुमान जी का भाव, हनुमान जी की भक्ति। रामायण में जिस भक्ति का प्रतिपादन हो रहा है वह बहुत अच्छी बात है। उसके बाद शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव इत्यादि और भी अभाव आते हैं जिनका प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में किया है। खैर, उसके आगे श्री राम कृष्ण और आगे कहते हैं चित शक्ति, माया शक्ति इत्यादि की बात भी कह रहे हैं। और उसके बाद ये तो एक तो दार्शनिक विषय पर चर्चा होते होते श्री राम कृष्ण उसका व्यावहारिक पक्ष बताते हैं। ईशान प्रश्न करते हैं यह माया क्या, और श्री राम कृष्ण कहते हैं जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामिनी कांचन ही माया का आवरण है। यहां पर इस विषय को पहली लाइन में श्री राम कृष्ण ने दार्शनिक दृष्टि से कहा, और दूसरे पक्ष अंश में उन्होंने उसको व्यावहारिक पक्ष से।
जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया। अच्छा बुरा, भोग की वस्तु, त्याग की वस्तु, साधु संत एक और, दूसरी ओर डाकू लुच्चे, सब जो कुछ है वह सब माया। अच्छा माया, बुरा माया। जब तक हमारा मन कंडीशन्ड है, स्वामी विवेकानंद कहते थे टाइम स्पेस कॉजेशन, देश काल और निमित्त में जब तक हमारा मन बंधा हुआ है, तब तक हमें यह जो ब्रह्म है वह उसी पर्दे के भीतर से दिखाई देगा। देश काल और निमित्त के पर्दे से जब हम ब्रह्म को देखते हैं तो वह नाना रूप में दिखाई देता। यह देश काल निमित्त ही मानो माया। माया हमारे मन के सुपर इम्पोजिशंस, मन के ऊपर जो आवरण है, मन पर हमने कई बातों को मान रखा है, मान्यताएं हैं इत्यादि। इसीलिए कहते हैं जब चित्त शुद्ध किया जाता है, बड़ी लंबी प्रोसेस से चित्त शुद्ध करते करते पहले हमारे अविद्या को दूर करना पड़ेगा, भोग वासना को दूर करना पड़ेगा, उसके बाद में विद्या को भी दूर करना पड़ेगा, अविद्या माया और विद्या माया दोनों को दूर करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो हमें दिखाई देगा वह सत्य होगा। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं पहली बात, जो कुछ देखा, दिखता है, सुनते हैं, सोचते हैं, मन में विचार जो उठ रहे हैं वह भी माया के क्षेत्र में। और दूसरी बात कहते हैं, कामनी कांचन ही माया का आवरण। ये कामनी कांचन श्री राम कृष्ण का एक पेट जिसे कहते हैं, एक उनका एक बड़ा प्रिय और बार बार उपयोग करते थे इस शब्द को कामनी कांचन में, जो कुछ बुरा है, जो संसार में बंधन में डालने वाला है, उसको सब वो कामनी और कांचन में कहते थे। इसको लें तो क्या हुआ, काम कांचन, या कहिए काम और लोभ, वासना भोग की इच्छा और लोभ, और आगे जाइए अर्थ और काम। हमारे मन में जो कुछ भी भोग की वासनाएं हैं, इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण है, हमारी इच्छाएं हैं, वो सब हुआ काम। और हमारे संग्रह की वृत्ति, उस कामना की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता, कांचन की आवश्यकता, वो उसके लिए जो लोभ है उसको हम कहते हैं कांचन। तो कामनी कांचन श्री राम कृष्ण इन सब के अंदर सारा, उसके भीतर उन्होंने सारी अविद्या माया को समेट लिया। अब आगे श्री राम कृष्ण कहते हैं, पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इसमें दोष नहीं है। ये केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कुछ लोग ये छोटी मोटी चीज, अरे शरीर के ऊपर तेल नहीं लगाएंगे, अरे ये तो बढ़िया कपड़ा पहनता है, ये अच्छा साबुन लगाकर स्नान करता है, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के तेल वेल नहीं लगा। ऑर्थोडॉक्स सन्यासी लोग वो नहीं लगा, साबुन का उपयोग नहीं करते, तेल का उपयोग नहीं करते, ये भोग में माना जाता, शरीर का भोग, अपने शरीर के, अपने त्वचा को अच्छा रखना, त्वकैषणा, त्वक यानी चमड़ी, चमड़ी की इच्छा, त्वकैषणा भी एक चीज है, अस्थि ऐषणा, लोमेषणा, बाल अच्छे संवार कर रखना, अच्छा विटामिन और भोजन अच्छा करना जिससे हमारी हड्डियां सबल रहें, स्वस्थ रहें, और शरीर को, अपनी चमड़ी को अच्छा लगाना। आजकल तो आप देखते हैं कितने चमड़ी को ठीक करने के लिए कितने सारे क्रीम्स और ये सब आ गए हैं। तो इसको किसी ने त्याग दिया, अरे ये सब भोग है, ये मामूली छोटे मोटे भोग। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई खास दोष नहीं है, हाँ इसमें बहुत अधिक लगे नहीं रहना है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कामनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है। हमारे मन में जो काम और लोभ पड़ा हुआ है उसको त्याग कर, वह अत्यंत कठिन है, वही सच्चा त्याग। गृहस्थ लोग अब ये क्या करेंगे? श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ये किस दोनों को त्याग करना पड़ेगा, सन्यासी को भी त्याग करना पड़ेगा और गृहस्थ को भी त्याग करना पड़ेगा।
गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। सन्यासी बाहर भीतर दोनों से त्याग, दोनों ओर से त्याग करें। ये श्री राम कृष्ण की बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, याद रखिए, त्याग के बिना नहीं होगा। श्री राम कृष्ण वचनामृत में भी यही बात है, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों में वही बात है, गीता गीता में क्या है वो भी, श्री गीता भी तो भगवान कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को त्याग करो, फलाकांक्षा को त्याग करो, कर्माशक्ति को त्याग करो। बार बार भगवान गीता में यही कहते हैं, फल की इच्छा को त्याग करना। सर्वत्र गीता में वही बात है। श्री राम कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता का अर्थ क्या, गीता 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 गी तागी 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 त्यागी त्यागी त्यागी। गीता को बोलते जाओ तो गीता त्यागी हो जाता है, त्याग। तो इस बारे में श्री राम कृष्ण और दूसरे संत जितने भी संत हो गए हैं वहां कहीं दो मत नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं जहां राम तहां नहीं काम, है ना, तब तुलसी कभी न होत है रब रजनी तिठा। भोग इच्छा भी करेंगे और भगवान को भी प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें मन में ठीक से देख लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि लोग वैराग्य से घबराते हैं। पातंजल योग सूत्र पर व्याख्या करते हुए मैंने कितनी बार कहा है कि वैराग्य अभ्यास और वैराग्य के बिना नहीं हो सकता। लोग वैराग्य के नाम से घबराते हैं। वैराग्य होना यानी गेरुआ पहन लेना, संसार छोड़कर चले जाना, ये नहीं। वैराग्य का अर्थ है यही जो श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, मन से त्याग, काम कांचन की इच्छा नहीं होना, मन से नहीं होना, यह हुआ वैराग्य। और इस बारे में हमें मन में दृढ़ हो जाना चाहिए, अपने को कभी कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं कि भाई ये वैराग्य के बिना तो चल जाएगा, त्याग के बिना चलेगा, ऐसी बात नहीं। और घबराना भी नहीं चाहिए। ये त्याग और वैराग्य जो हैं ये ऐसी चीजें हैं, इनसे घबराना नहीं है कि अरे बाप रे त्याग और वैराग्य की कैसे वित्त कैसे चलेगा हमारी इच्छाएं वासनाएं, घबराइए नहीं। जिस दिन त्याग और वैराग्य आपके जीवन में आएगा उस दिन देखेंगे कि आपको कितना अधिक आनंद मिलता। इसीलिए उपनिषदों में कहा त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, न धने न प्रजया, धन के द्वारा और प्रजा के द्वारा यानी संतानोत्पत्ति के बारे वही काम कांचन के द्वारा नहीं होता, न धने न प्रजया, त्याग ही से अमरत्व की प्राप्ति। अमरत्व का अर्थ क्या, अमरत्व का अर्थ है हम मरेंगे मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। हम सभी कोई मरना नहीं चाहते, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे आप, और उसके साथ ही साथ लोग मरना तो नहीं चाहते लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीवन में दुख भी आता है, कैंसर का दुख है, कष्ट हो रहा है लेकिन मरना नहीं चाहते। किसी किस तरह से एक दिन दो दिन चार दिन छह दिन हमारा जीवन बढ़ जावे, दुख होता है, महान पीड़ा सहकर भी जीवन को प्रोलॉन्ग करना चाहते, लंबा करना चाहते हैं अमरत्व की इच्छा के कारण। लेकिन यह जो भगवान गीता में उपनिषद में सब जगह जो अमरत्व की बात की जाती है, इस अमरत्व के साथ आनंद भी है। त्यागे नहीं के सुख मानसु, ऐसा लोग अमृतत्व मानसु, आनंद मानसु, त्याग के बिना आनंद नहीं है। भय क्या है, वैराग्य मेवा अभयम, भर्तृहरि कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निणाम वैराग्य मेवा अभयम। संसार की जितनी वस्तुएं हैं जितनी क्रियाएं हैं सब कुछ के पीछे भय लगा हुआ है, एक वैराग्य के पीछे ही वही अभय है, उसी से ही हमें हम भय से पार जा सकते हैं। तो श्री राम कृष्ण यहां पर तो आसानी से धीरे से बात करते हैं। श्री राम कृष्ण अपने सन्यासी शिष्यों को भी उपदेश दिया करते थे, जानते हैं आप, और जब सन्यासी शिष्यों को उपदेश दिया करते थे तो वो लोग अलग आते थे, संडे के दिन नहीं आते थे,
संडे के दिन तो सब भीड़ आई है, दूसरे गृहस्थ लोग यहाँ गए हैं। जब सन्यासी होने वाले जो वुड भी सन्यासी आते थे, तो जब उनको कहते थे, बात करते थे, तो दूर तक देख कर आते थे कि कोई गृहस्थ नहीं, दरवाजे तक गेट तक देख के आते थे, इधर उधर देख के कोई गृहस्थ नहीं, फिर दरवाजा बंद करके और तेजस्वी भाषा में त्याग का उपदेश दिया। तो स्वामी शिवानंद जी से एक बार, स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज, उनसे एक बार लोगों ने पूछा कि महाराज आपको श्री रामकृष्ण अलग अलग कुछ सिखाया करते थे, बताते थे दरवाजा बंद करके और जो गृहस्थों को नहीं बोलते थे, वो क्या बात? तो क्योंकि देखो जो श्री रामकृष्ण वचनामृत में लिखा वही बातें हुआ करती थी, लेकिन एम्फेसिस जो जोर था वो कुछ बातों पर अधिक होता था और तेजस्वी अधिक तेजस्वी होती थी। वही त्याग के बिना नहीं होगा, ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात करते थे ऐसा बात करते थे कि वो उस मार्ग पर चले जाए। तो श्री रामकृष्ण यहां कहते हैं सन्यासी बाहर से भी त्याग करेगा और गृहस्थ जो है वो मन से त्याग, यानी मां शारदा का दृष्टांत लीजिए। मां शारदा गृहस्थ, स्वामी विवेकानंद सन्यासी। स्वामी विवेकानंद सारे भारत का भ्रमण किया, अधिकांश समय पैसा नहीं लेते थे, पास में नहीं रखते थे, छूते नहीं थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे स्वामी अखंडानंद जी, उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया, 10-12 साल तक पैसा छुआ तक नहीं। तो ये बाहर से त्याग सन्यासी का। मां शारदा क्या करती थी? पैसा लेती थी, आता था, उनको संसार चलाना है, गृहस्थी चलानी है भाई, तो क्या करती थी वो? आया लोगों ने कहा मनी ऑर्डर आया है, आया उन्होंने पैसा डब्बे में डाल दिया बंद, किसी को चाहिए दे दिया, वो गिनना नहीं, गिन के रखना, अकाउंट रखना ये नहीं। उससे कहती थी हाँ ये तुमको 1 रुपया दिया है, उसमें से 2 अनाज में लौकी लाओगे, 4 अनाज में फलानी चीज लाओगे, वैसा हिसाब बराबर तुम ध्यान रखना, जिसके लिए जो पैसा दिया है वो हमारे यहाँ पे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्री राम कृष्ण का उपदेश है कि जिसके लिए जो पैसा है उसके लिए वही खर्च, उसी पैसे में खर्चा करना, इस खाते का पैसा इस खाते में नहीं जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात। तो माँ शारदा कहती तो थी, लेकिन जब आता था पैसा तो गिनती नहीं थी कितना दिया, कि माँ आपने जो कहा था इतना इतना खर्चा हुआ, ये 2 आने बचे हुए हैं, उन्होंने कहा माँ कहती जाओ उसमें डाल दो, और 2 आने दिए हैं कि 4 आने दिए हैं वो नहीं चुके, काउंट नहीं करती। पैसे अंतिम समय में तंगीद हो जाती थी, अब उतनी कि आज पैसे तो बहुत कम बचे हुए हैं, आज कितनी तारीख हुई, देखिए आज 26 तारीख हो गई, 26 तारीख घंटे ठीक है, 1 तारीख को मनी ऑर्डर आ जाएगा, चलो किसी दिन तरह से 4-5 दिन चलाने हैं चला देंगे। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन पैसे के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं, संसार में पैसे के बिना अब काम नहीं चलेगा याद रखिए, लेकिन मन में देखना है कि हम कितने आसक्त हैं उसके पीछे, और सच पूछा जाए तो इतना आसान नहीं है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन करके भक्ति प्राप्त कर लो, बीच बीच में निर्जन में चले जाओ, ऐसे स्थान पर जहां पर कांचन कामिनी कांचन नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं हो, भोग नहीं हो, टीवी नहीं हो, खाने पीने को बढ़िया चीज नहीं मिलती हो, एकांत में चले गए, आश्रम में चले गए कहीं पर, वहां पर जो खाना मिल गया सो मिल गया खा लिया, वहां पे कोई भोग की चीजें नहीं है, प्रवचन हो रहे हैं, भजन है, आश्रम में रहेंगे आप, ऐसे रह लीजिए। निर्जन में बहुत एकांत में जाना तो संभव आप लोगों के लिए नहीं, हम लोग अवश्य गए हैं और बहुत आनंद आता है, कुछ नहीं, बात करने वाला भी नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कैसेट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मजे से रहो, अपना भगवान का भजन करो, इतना आसान नहीं है। लेकिन कामनी कांचन से यानी संसार का सारे संसारी लोगों से भी मुलाकात नहीं, किसी से मिला, ऐसा अगर कर सके तो क्या होता है, वो कांचन से प्रति मन थोड़ा सा दूर हटता है, भोग से हमारा मन दूर हटता है। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, उसके आगे यही बात श्री रामकृष्ण कहते हैं कि केशव सेन से मैंने कहा था जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है
उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है। कहते हैं कि सन्निपात का रोगी डिलीरियम जिसे हम कहते हैं बकबक करता है, बेहोश रहता है, आधा बेहोश आधा जागृत, देखता है लेकिन पहचानता नहीं है, कंट्रोल नहीं है अपने आप पर, इसको कहते हैं सन्निपात डिलीरियम। से व्यक्ति वैद्यराज कहते हैं कि भाई इसको पानी नहीं देना, ज्यादा थोड़ा बहुत पानी दे सकते हो, ज्यादा पानी दे देना और इमली का अचार खट्टी चीज से दूर रखना, ये सन्निपात बढ़ जाए। अब वो इसी एक ही कमरे में पड़ा हुआ है, वहां पे अचार भी पड़ा हुआ है, खाने की इमली की चीजें, नींबू का अचार, ये सब पड़ा हुआ है और एक पानी भरा हुआ है, तो वो तो हमेशा उधर ही जाएगा, हमेशा मन उधर ही जाएगा, उसका सन्निपात ठीक नहीं होगा। जिस चीज से कामनी कांचन का रोग बढ़ेगा उसी कामिनी कांचन के बीच में हम संसार में सुबह शाम पड़े हुए, वही वातावरण सदा बना हुआ और संसार में वही झंझटें, वही काम, ये मकान ठीक करो, अकाउंट रखो, बैंक में जाओ, लोगों से मिलना, मार्केट में जाना, इसको बेचना, उसको खरीदना, सारे समय संसार में वही काम चल रहा है। और सारा परिवार, परिवार के सारा तो भगवान के काम नहीं करते, वह अपने अपने संसार में ही लगे हुए हैं, ऐसे में भगवान में मन कैसे जाए। बहुत बिरले कुछ होते हैं घर ऐसे जो घर नहीं होते, आश्रम होते, बहुत बिरले होते हैं, जिनमें सभी का मन एक एक सुर में सदा होता है। श्री राम कृष्ण के एक भक्त थे बलराम बोस, वो परम भक्त थे, उनकी पत्नी परम भक्त थी, उनका पुत्र परम भक्त था, उनकी पुत्र वधु परम भक्त थी। श्री राम के उनका घर जो था श्री राम कृष्ण का अड्डा था, श्री राम कृष्ण जाकर कलकत्ता में जाकर एक दो दिन उनके घर पे रह जाते, बाद में स्वामी विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद जी जाकर आदि उनके घर में रह जाते। उनके यहाँ पे जगन्नाथ जी की नित्य पूजा होती थी, नित्य भोग लगता था, सभी एक सुर में बंधे हुए थे, सब भगवान के लगे हुए थे। बलराम बोस जागीदार जमींदारी थी उनकी, उससे पैसा मिलता था उनको, और बड़े माइजर, बहुत कंजूस, ये खर्चा नहीं करेंगे, बहुत क्या खर्चा, क्यों खर्चा करना है, नहीं क्यों, वो खर्चा बचाकर साधु संतों के लिए उपयोग करते। तो ऐसा अगर किसी का घर होवे तो एकांत में जाने की उसको आवश्यकता नहीं, अन्यथा इस संसार से जहां पर आकर्षण है, भोग का आकर्षण है, धन की इच्छा कामना वासना की संभावना है, वहां से निकलकर थोड़ा निर्जन में चले जाना चाहिए। और निर्जन में जाने में बहुत सारे लाभ है, समस्याएं भी हैं, लाभ भी हैं। समस्या यह है कि हम लोग तो अकेले रह नहीं सकते, इसलिए समस्या होती है। जब निर्जन में जाएंगे तो देखेंगे, हमको पता चलेगा कि मन कहाँ जा रहा है, हमको एक हैबिट हो जाएगी जानने की, हम लोग समझने लग जाएंगे कि देखो हमारे मन के बंधन बाधाएं कहाँ कहाँ पर। ध्यान जब करते हैं हम, तो ध्यान करते समय भी जब प्रारंभ में ध्यान प्रारंभ किया जाता है, तब देखते हैं कि शुरू शुरू में एक दो दिन चार दिन दस दिन ठीक चला, उसके बाद में बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? जब मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं तो मन मानो मथ जाता है और अंदर बैठा हुआ बहुत सारा कचरा बाहर आने लगता है। और अगर कोई साधक सजग है तो समझ जाएगा, ओहो देखो मेरे मन में कितना कचरा, मैं अपने आप को महान समझ रहा था, अच्छा समझ रहा था, मेरे मन में कितना कचरा था, कहाँ आसक्तियां पड़ी हुई हैं, कहाँ गंदे गंदे विचार मन में आने लग जाते। इसी प्रकार से जब एकांत में निर्जन में हम जाते हैं तो वहां भी आप देखेंगे मन बहुत उछल कूद करता है, इधर उधर जाने की इच्छा होती है, किसी बहाने चलो गांव में चले जाएं, क्या करना है कि थोड़ा सा एक मोमबत्ती लेना, अगरबत्ती, मोमबत्ती अगरबत्ती लाने के लिए गांव में चले, दो चार लोगों से मिलाने की इच्छा हो। ये बहिर्मुखी वृत्ति मन की इतनी प्रबल है, और उससे हमको पता चलता है अगर व्यक्ति सजग हो तो आत्मनिरीक्षण के लिए एकांतवास बहुत उपयोगी सिद्ध हो। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं
एकांत में रहो, बहुत बड़ा विस्तार का विषय है ये सब, तो मैंने उसके जो विभिन्न पक्ष हैं आपको समझाए। एकांत में श्री राम कृष्ण कहते हैं कि बाहर का जितना भी, बाहर के जितने डिस्टर्बेंस हैं, व्यवधान हैं, संसार के व्यवधान, भों भा संसारी लोगों से मिलना, ये सब बंद रहेगा। अंदर के व्यवधानों की मैंने बात कही, वे आपके मन में उठेंगे, उनको देख लीजिए, समझ लीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए। ऐसा करने से मन से त्याग हो जाए। श्री राम कृष्ण कहते हैं ना, मक्खन बन जाइए, वो कई बार सुनाया है आपको। हमारा मन जो है वो दूध है, संसार पानी दोनों मिल जाते हैं। अगर एकांत में दूध को आप चावन जब डालकर थोड़ी देर रख दीजिए, दही बनाइए, मथिए, मक्खन बना के फिर संसार में रहिए, फिर पानी में रखिए, तो मक्खन तैरेगा, वो उससे मिलेगा नहीं। ये इसको कहा एकांत में रहकर निर्लिप्त हो जाना। उसके बाद में त्याग हो गया, उसके बाद संसार में रहिए, आप निर्लिप्त रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति ने विषय परिवर्तन कर दिया, ये तो इंपॉर्टेंट बात हमने देखा, और बाद में भी कुछ थोड़ी बातें आएंगी इस प्रकार की तैयारी, अपने साधना की विषय की बात आएंगी। हम देखेंगे कि श्री राम कृष्ण अवश्य दार्शनिक विषय की चर्चा करते हैं, लेकिन सदा उनका जोर यही रहता है कि उसके पीछे जो साधना का भाव है वो हम सदा समझते रहे। किसी ने प्रश्न कर लिया, महाराज नवविधान ब्राह्म समाज किस प्रकार है? मानो खिचड़ी जैसा। अब ये नवविधान याद रखिए, एक ब्राह्म समाज था, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया, उसके बाद में देवेंद्रनाथ ठाकुर उसके एक महान वो हो गए थे, एक लीडर थे, और फिर केशव चंद्र सेन। नव केशव सेन के समय केशव सेन ने एक नया प्रारंभ किया था, नव विधान। इस ब्राह्म समाज में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के कुछ सिद्धांत जोड़े थे, और श्री राम कृष्ण से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ भक्ति का पक्ष भी जोड़ा। ऐसा करके एक न्यू डिस्पेंसेशन, इंग्लिश में उसको न्यू डिस्पेंसेशन नव विधान किया था। और मैंने कोशिश की, मुझे उसके संबंध में जानकारी अधिक नहीं मिली, अगर जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन श्री रामकृष्ण ने उसको, लोगों ने कहा कि महाराज जी नव विधान क्या है, मानो खिचड़ी जैसा। तो खिचड़ी तो है ही, क्रिश्चियनिटी के, ईसाई धर्म के कुछ सिद्धांत लिए, हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांत लिए, श्री रामकृष्ण से कुछ लिया और एक खिचड़ी बनाई। तो हमारे यहाँ की कल जो खिचड़ी आए खाएंगे आप, तो वो तो बड़ी अच्छी होती है, कभी कभी खिचड़ियाँ बहुत अच्छी होती। अगर ऐसी खिचड़ी कोई बने धर्म के संबंध में, जो स्वादिष्ट हो, लोगों को अच्छी लगे, तो बहुत अच्छा है। अकबर ने भी किया था, दीन-ए-इलाही कुछ किया था उन्होंने, इधर उधर के सिद्धांत मिला मिलू के, इस्लाम के साथ मिला मिलू के कुछ नया बनाने की प्रयत्न किया था, लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन चलती नहीं। किसी ने पूछा, मानो ये तो खिचड़ी है। श्री राम कृष्ण ने कहा, कोई कोई कहते हैं आधुनिक, न्यू थिंग, नया है। याद रखिए, धर्म में भी नवीनता की आवश्यकता रहती है, पुरानी चीज सदा नहीं चलती। जो वैदिक सिद्धांत है वो बदल गए धीरे धीरे, मूल सिद्धांत तो वही रहते हैं, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार उसको बदलना पड़ता है। स्वयं श्री राम कृष्ण कहते हैं कि नवाबी अमल का सिक्का वह अंग्रेजी अमल में नहीं चलता, भले चांदी वही हो। वह एक रुपया जो था चांदी का, पहले चांदी का रुपया हुआ करता था, तो पहले जो है नवाबी अमल का चांदी का रुपया, उस पर नवाब की सील होगी, वो अगर आप मार्केट में इस जमाने में जाए तो वो नहीं चलेगा। उसको चांदी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो रुपये की वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके ऊपर वो क्वीन का, उस जमाने के जो है क्वीन का, उसके ऊपर सील होनी चाहिए, वो चलेगा। इसी प्रकार से पुरानी जो चीज है वो देशकाल पात्र के अनुसार उसको नए ढांचे में देना पड़ता। स्वामी विवेकानंद ने, श्री राम कृष्ण ने उपनिषदों के ही संदेश को ऐसे नए ढंग से प्रस्तुत किया कि सामान्य व्यक्ति भी उसको समझकर जीवन में डाल सकता है।
तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, कोई कोई कहते हैं आधुनिक, मैं सोचता हूं क्या ब्राह्म समाज वालों का कोई दूसरा ईश्वर दूसरा है। कहते हैं नव विधान नया विधान, सो होगा। जिस प्रकार छह दर्शन है षट दर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा होगा। श्री राम कृष्ण ने उसका अध्ययन नहीं किया था, कोई नई प्रिंसिपल नई थ्योरी नए सिद्धांत कुछ बनाए हैं। लगा उनको कि अरे भाई अंग्रेजों का प्रभाव पड़ रहा है बहुत, तो उसको किसी तरह से सब लोग अंग्रेज हो जाएं, उसके बदले अगर थोड़ा सा उसको मिला के कर लिया जाए तो चल जाएगा, अच्छा हो जाएगा इत्यादि इत्यादि। तो जैसे छह दर्शन हैं भारतीय दर्शन, षट दर्शन हम बोलते हैं, वो है न्याय वैशेषिक सांख्य योग उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। ये षट दर्शन को हम कहते हैं आस्तिक दर्शन, जो वेदों की को मानते हैं स्वीकार करते हैं उस पर आधारित हैं। ये षट दर्शन ये स्टैंडर्ड है हिंदू 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 दर्शन में, छह हिंदू दर्शन भारतीय दर्शन ये छह। उसी प्रकार श्री राम कृष्ण कहते हैं वो होगा, लेकिन अब उस बात को छोड़कर श्री राम कृष्ण अपनी बात पर आते हैं। परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो? भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत हैं। और ये बात नव विधान ने स्वीकार की, ब्राह्म समाज ने स्वीकार की कि ईश्वर निराकार है और ईश्वर साकार हो नहीं सकते, ये मूर्ति पूजा गलत है, ये तो साकार की उपासना है गलत है, और बौद्धिक दृष्टि से ठीक हो सकता है। विचार करने पर लगता है, विचार करते करते हम अंत में एक निर्गुण निराकार सत्ता पर पहुंचते हैं, बौद्धिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन हृदय की दृष्टि से हमको एक साकार की आवश्यकता होती है। और हिंदू धर्म में दोनों को स्वीकार किया गया। एक शिव का जो वर्णन करते हैं तो इसको शिव को साकार वर्णन किया, जटाजूटधारी और अपने नाग वगैरह सब धर्म के वहाँ हैं, भस्म लगाए हुए हैं, डमरू त्रिशूल लेकर हैं, लेकिन जब वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, ये शांताकार हैं सर्वव्यापी हैं, निर्गुण निराकार का वर्णन उनको ऐसा बताते हैं, शिवम शांतम अद्वैतम करते अद्वैत कर देते हैं, उनको सर्वव्यापी भी बना देते हैं। तो हमारे यहाँ पे राम का भी वर्णन जब किया जाता है तो क्या है, एक राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। दशरथ का बेटा भी है, जगत पसेरा भी है, सबसे न्यारे भी हैं, उनसे भी बियॉन्ड एवरीथिंग। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, और ये हमारी भारतीय परंपरा है, ईश्वर साकार भी है निराकार भी है, और क्या क्या है उनको कह नहीं सकते, उनका वर्णन नहीं किया सकते। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जो निराकारवादी ईसाई धर्म इस्लाम धर्म नव विधान ब्राह्म समाज जो लोग कहते हैं कि भगवान केवल निराकार हैं, वो गलती करते हैं। भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है, बाकी सारे मत गलत हैं। और श्री राम कृष्ण यहां पर श्री राम कृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण संदेश, जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने ही पथ। तुम कहते हो कि ईश्वर जो है वो शिव का रूप धारण करता है, बहुत अच्छी बात। तुम कहते हो उन्हें ईश्वर श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण ईश्वर है, हाँ बहुत अच्छी बात। लेकिन जब तुम कहते हो कि श्री कृष्ण का ही रूप ईश्वर, श्री कृष्ण ही ईश्वर है, शिव नहीं है, तब गलती करते हो। इस पर बहुत विचार हो चुका है, वो गिरगिट की बात कहते हैं कि एक ही भगवान, गिरगिट लाल रंग का पीला रंग का हरा रंग का कई प्रकार का रंग होता है, अगर कहो कि गिरगिट केवल लाल रंग का है पीले रंग का नहीं हो सकता है तो गलती करो। तो श्री राम कृष्ण ये कहते हैं, फिर कहते हैं मैं जानता हूं, और ऑथेंटिकली अथॉरिटेटिवली कहते हैं श्री राम कृष्ण, मैं जानता हूं वे साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं, मैं जानता हूं, मैंने देखा है भाई,
मैंने अनुभव किया है, कितने रूपों में भगवान को मैंने देखा, राम के रूप में श्री राम कृष्ण देखा, कृष्ण के रूप में देखा, निराकार के रूप में, ईसा के रूप में श्री राम कृष्ण ने भगवान के विभिन्न रूपों का दर्शन किया, और उसके बाद ये सब रूप उनके अंदर विलीन हो जाते। इसलिए कहता हूँ, मैं जानता हूँ वे साकार निराकार दोनों ही हैं, एक ही वस्तु साकार और निराकार। और कभी कभी लोग पूछते हैं कैसे हो सकता है, असंभव। और श्री राम कृष्ण बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, क्यों नहीं असंभव। एक समुद्र है, समुद्र सारा जली जल है, उसमें बर्फ है कि नहीं, बड़े बड़े आइसबर्ग बनते हैं कि नहीं। आप ग्रीनलैंड में चले जाइए, साउथ पोल नॉर्थ पोल में चले जाइए, वहां पर बहुत बड़े बड़े हिमखंड वह पिघल रहे हैं। ज्ञान की गर्मी ज्यादा हो रही है आजकल, पिघल रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं भक्ति की ठंड, उससे ये सच्चिदानंद भगवान भक्त भक्त का भगवान एक रूप धारण करते। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं वे कितने प्रकार के बन सकते हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए कहना कि एक ही रूप है भगवान का, केवल निर्गुण निराकार है, वो ठीक नहीं। इसके ऊपर बहुत विचार करते हैं लोग, कहते हैं हिंदुइज्म जो है वो क्या है, पॉलीथीस्टिक। पॉलीथीस्टिक यानी बहुत सारे ईश्वर को मानता है, राम कृष्ण विष्णु काली दुर्गा, इतने सारे हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने हजार देवता। पॉलीथीस्टिक लोग कहते हैं नहीं, पॉलीथीस्टिक नहीं है, केवल मोनोथीस्टिक, एक ही ईश्वर को मानता है। लेकिन यह मानता है कि यह ईश्वर विभिन्न प्रकार से प्रकट होता है, वे साकार निराकार दोनों हैं। तो दो ईश्वर नहीं हो गए, एक ही ईश्वर, एक प्रकार से साकार दूसरे प्रकार से निराकार, भक्त के अनुसार विभिन्न रूप। अब श्री राम कृष्ण ईशान से फिर कहते हैं वही बात जो चैतन्य की बात कही। संभवतः उनको लग रहा है कि ईशान पर यह के मन के ऊपर यह बात अच्छी तरह बैठा देना चाहिए। वही चक्षक्ति वही माया 24 तत्व बनी हुई है। मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मन चला गया रसके के घर में, रसके मेहतर है। मन से कहा अरे रह, वहीं पर रह। माँ ने दिखा दिया उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र हैं, भीतर वही एक कुलकुंडली एक शकचक्र। श्री राम कृष्ण ने कहा एक चैतन्य शक्ति, देखिए इसके पहले वाले भी वो शक्ति की बात चली थी, ब्रह्म शक्ति की बात चली, उसी को पुनः कहते हैं एक चैतन्य शक्ति। वही माया महामाया है, वही 24 तत्व बने हुए, 24 एलिमेंट्स ऑफ वेदांत सांख्य। सांख्य के अनुसार 24 तत्व है। तत्व यानी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कहते हैं जिनमें सत्ता है। आजकल विज्ञान ने बताया बहुत सारे, कितने एलिमेंट्स बता दिए हैं, 106 हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन क्लोरीन ऐसे मिला के 106 तत्व एलिमेंट्स। सांख्य कहते हैं 24। कौन सा पहला है, प्रकृति। इस प्रकृति को ही महामाया यहां पर कहा। इसमें तीन गुण है, सत्व रज और तम। दूसरा है महत्तत्व, तीसरा है अहंकार। ये तीन हुए, उसके बाद हुए पांच तन्मात्र बोलते हैं, सटल पांच तन्मात्र बोलते हैं, अत्यंत सूक्ष्म एलिमेंट्स। ये हो गए 8। उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पंच महाभूत, शब्द शब्द पंच महाभूत, आकाश पृथ्वी वायु जल और अग्नि, ये पंच महाभूत, और एक मन।
ये 16 और 8 मिलाकर 24, 16 और 8। वैसे अगर आप श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे, भागवत के अंत में द्वादश स्कंध में बड़ी मजेदार बात कही, वहां पर सारे श्रीमद् भागवत के का जो फिलोसॉफिकल अंश है उसको बताया। श्रीमद् भागवत में तो श्री कृष्ण की लीला है, वहां पर बताते हैं श्री कृष्ण क्या हैं, तो श्री कृष्ण परम ब्रह्मेश्वर हैं, और राधा क्या हैं तो माया हैं, इंद्रियां क्या हैं, ऐसा ऐसा सब बताते हैं वहां पर। बिल्कुल फिलोसॉफिकल उसका दार्शनिक विश्लेषण, दार्शनिक व्याख्या, बड़ा मजेदार। तब लगता है अरे श्रीमद् भागवत जो है वो ज्ञान का एक ग्रंथ है, भक्ति का नहीं। और वहां पर तत्वों की बात की है, किसी ने प्रश्न किया तो मुझे याद नहीं और मैं भी ढूंढ रहा था मिल नहीं पाया, किसी ने प्रश्न किया कि ये कितने तत्व हैं जगत में, तो उन्होंने कहा देखो भाई कुछ लोग कहते हैं दो पर तत्व हैं, कुछ लोग बोलते हैं एक ही है ब्रह्म, कुछ लोग कहते हैं नहीं जगत भी तो है, तो कहते हैं पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व, फिर कुछ लोग कहते हैं ना दो तत्व नहीं है, पुरुष प्रकृति और तीन सत्व रज और तम, तीन गुण, ये पांच तत्व है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं पांच तत्व नहीं है, वो महत अहंकार और पंच तन्मात्रा इतना भी है, तो कितने हो गए आठ तत्व हो गए। उसके बाद ऐसे करते 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 कभी कोई कहते हैं कोई 24 बताता है, कोई 48 बताता है, कोई 36 बताता है, ये बताता है हम समझने के लिए। अब जैसे मॉडर्न साइंस कहता है 106 एलिमेंट्स हैं, ये समझने की बात है, आप चाहें तो अपने ढंग से किसी भी प्रकार से इसको कर लें, फर्क नहीं पड़ता। हम समस्त संसार को जगत को समझना चाहते हैं अपने दृष्टि से उसे समझें। तो श्री रामकृष्ण ने ये छोटी सी बात थोड़े से कही। अब एक दूसरी बात कहते हैं, एक ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते हमारा मन चले जाता है कलकत्ता बंबई दिल्ली, श्री रामकृष्ण का घर मन भी चला गया, श्री राम का मन कर गया रसके के, रसके कौन, रसिक मेहतर, याद रखिए इस रसिक मेहतर श्री राम कृष्ण का भक्त। और एक चित्र पता नहीं किसी ने बनाया है, आपने देखा कि नहीं, यहां तो दिखा नहीं मुझे कहीं पे, एक बड़ा सुंदर चित्र है, रसिक श्री राम कृष्ण जा रहे हैं, रसिक मेहतर बिल्कुल उनके साष्टांग पड़ा हुआ है, दोनों हाथों उसने चरणों पर रखे, अवश्य तो उसे हाथ ऐसे रखे हैं कि चरण जरा बड़े दिखते हैं, किसी ने पेंटिंग किया है। तो जो हो, इस रसिक मेहतर के पायखाने को जाकर श्री रामकृष्ण ने साधना काल में चुपचाप साफ किया था, अपने बालों से उसको साफ किया, उसके शौचालय को, टॉयलेट को, चुपचाप जब वो कोई नहीं था अंधेरे में, यह कहने के लिए कि मां इस साधना के लिए कि मां मेरा जो अहंकार है, मैं ब्राह्मण कुल का जन्मा हूं, मेरा जो ब्राह्मण तो का अहंकार है इसको नाश कर दो, इसके लिए। और ये रसिक मेहतर श्री राम कृष्ण का परम भक्त था, और उसकी कहजीवनी भी कहीं आप मिलेगी, उसमें है कि अंतिम समय में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको श्री राम कृष्ण के दर्शन हुए और उसके बाद मुक्त हो गए। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मेरा मन रसिक के घर चला गया, मैंने मन से कहा अरे रह रह वहीं पे, वहीं रह वहीं रह, जिस प्रकार मन मंदिर में जाता है, ठाकुर का मन मंदिर में जाता है, जिसका मन जहां पर रुचि होती है वहां पहुंचता है, हमारा मन अपने संसार के संबंधियों पर जाता है, पुत्र पर, धन पर, कहीं कहीं जहां कहीं भी हमारा मन अटैचमेंट है वहां चलता है। श्री राम कृष्ण का मन मंदिर में जाया करता होगा, लेकिन आज चला गया रसिक के यहाँ, उसने कहा वहीं रहे वहीं रहे, वहां भी मंदिर है, क्या है, माँ ने दिखा दिया उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र है, वहां भी वही ब्रह्म है, सबके भीतर वही कुलकुंडलिनी है, वही चैतन्य शक्ति है, वही षट चक्र है, वही शक्ति जिसकी षट शक्ति की बात कर रहे हैं, वह शक्ति वहां पर भी काम कर रही है। ये दृष्टि श्री राम कृष्ण की थी, जहां कहीं भी जिसको देखते थे उसमें ये थी। अब आगे श्री राम कृष्ण कहते हैं वह आद्याशक्ति स्त्री है या पुरुष, अभी सब बात है आद्याशक्ति महामाया ये सब फेमिनिन स्त्रीलिंग
के रूप में वर्णन कर रहे हैं, शिव और शक्ति, तो शक्ति वो फेमिनिन हो गई हमें सदा। लेकिन प्रश्न करते हैं श्री राम कृष्ण, और बड़ी सुंदर बात, ये समन्वय की बात, ब्रह्म और शक्ति का समन्वय, वह आद्याशक्ति स्त्री है या पुरुष? मैंने उस देश में देखा, उस देश में यानी उनके गांव में, देहात में, जयराम कामार पुकुर में जहां श्री राम कृष्ण रहते थे उसको वो उस देश कह रहे, उस देश में देखा लाहाओं के घर में काली पूजा हो रही है। वहां पे लाहा लोग थे, वो रहते थे, जमींदार लोग थे, वो लोग पूजा किया करते थे। बहुत वर्णन है श्री राम कृष्ण की जीवनी में, उनके बचपन में लाहाओं यहाँ क्या जाया आना जाना इत्यादि होता था। वहाँ पूजा, काली पूजा हो रही है, माँ काली की पूजा, माँ की, माँ के गले में जनेऊ दिया था। संभवतः जहां तक मुझे ध्यान है लक्ष्मी दुर्गा पूजा इत्यादि में भी जनेऊ दिया जाता है, मुझे जहां तक याद है ऑर्थोडॉक्स में भी एक जनेऊ माँ को दिया जाता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा माँ को जनेऊ क्यों दिया, वो तो फेमिनिन है, स्त्री है, उनको तो जनेऊ। तो जिसके घर में पूजा है उसने कहा भाई तूने माँ को ठीक पहचाना, मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर बात है, तुमने पहचाना, मैं नहीं जानता। हम कहते हैं माँ लेकिन वो है क्या है? अरे शक्ति बोलते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, शक्ति फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है, स्त्री है कि स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है। हिंदी में तो सिर्फ दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, पुल्लिंग। संस्कृत में तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो है नपुंसकलिंग। जो ब्रह्मा है, जगत की सृष्टि करते हैं, वो हो गए पुल्लिंग, और जो शक्ति है वो हो गई स्त्री। लेकिन एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं, उसको हमने विभिन्न लिंग दे दिए, लेकिन है तो एक ही सत्ता। तो बड़ी सुंदर बात, यानी अंततोगत्वा आपको स्त्री पुरुष लिंग के परे जाना पड़ेगा अगर आप परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते। ये भी हमारे मन के आवरण है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग इत्यादि। तो इस प्रकार कहा जाता है, अब मजेदार बातें हैं, ये एक मजेदार बात है, अगली बात और मजेदार। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई। तंत्रों में जहां पर शक्ति का वर्चस्व दिखाया जाता है, महत्व दिखाया जाता है, वहां पे है महामाया शिव को निगल गई। जो काली का जो रूप है ना, काली शिवजी के ऊपर खड़ी हुई है। वो पुराणों का वर्णन तो इस प्रकार का है कि काली जब महान संहार करने लग गई तो उसको शांत कैसे करना, तो शिवजी रास्ते में मर लेट गए और उसने देखा नहीं, शिवजी के ऊपर पैर रख दिया। तो उषा ने देखा, अरे मेरे पति के ऊपर शिव जे पैर रख दिया, जीभ बाहर निकाल दी, जीभ बाहर निकली हुई ना, अरे अरे ये क्या हो गया, और फिर वो शांत। ये एक वर्णन, लेकिन इसको सिंबॉलिकली, सांकेतिक दृष्टि से, प्रतीकात्मक दृष्टि से ये कहते हैं कि शिव क्या है, वह निष्क्रिय पड़े हुए हैं, अचेतन पड़े हुए हैं। वो क्या है, सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो निष्क्रिय है, कोई शक्ति नहीं है, उसके ऊपर मां खड़ी हुई है। ये कौन है, यह है कंडीशन ब्रह्म, जिसको हम ईश्वर कहें, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले। तो सृष्टि स्थिति प्रलय जो करते हैं ब्रह्म भगवान, उनका बेस क्या है, उनका मूल क्या है, वो है सच्चिदानंद ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म। और निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही मानो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली एक शक्ति या ईश्वर की उत्पत्ति हो। तो ये पीछे की कई बातें हैं, लेकिन यहां पर एक मजेदार बात, तंत्र ने उसी को एक बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ
कि महामाया वो शिव को खा गई। शिव तो निर्गुण निराकार है, उसको भूख लगी वो खा गई। फिर मां के भीतर षटचक्र का ज्ञान होने से शिव जी तो खा गई, अब शिव जी जो निर्गुण निराकार थे उनको वहां पे ज्ञान, उनको ज्ञान हुआ, षटचक्र का ज्ञान हो गया, और उन्होंने षटकंद का ज्ञान होकर मरे नहीं, वो मां की जांग को फाड़कर निकला। और उसके बाद शिव जी ने उसके बाद में मां की स्तुति करते हुए तंत्रों की रचना की। ये जो जितने तंत्र हैं वो शिव जी की ही रचना है। उच्चित शक्ति के इस महामाया के शरण होना चाहिए, ये बताने का प्रयत्न यही कर रहे हैं कि देखो ये तो ऐसी महामाया है जो सबको मोह लेती है, शिव जी को भी निगल जाती है। ऐसी शक्ति के शरण में जाओ, प्रार्थना करो, उनकी कृपा होगी और हम मुक्त हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है, शक्ति की उपासना। ईशान कहते हैं आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अब अगली बार दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जैसा मैंने कहा प्रारंभ होने वाला है, क्या है वो? श्री राम कृष्ण कहते हैं, अभी तक तो दार्शनिक बातें होती रही, त्याग की बात हुई, कामनी कांचन त्याग की बात। इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण श्री राम कृष्ण का संदेश हमें अब मिलेगा, वो है व्याकुल होकर भगवान को पुकारो, सरल भाव से कहो हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो हे ईश्वर कामनी कांचन से मन को हटा। कितना कठिन है ऐसा कामनी कांचन से मन को हटाना, भगवान को रो रो कर प्रार्थना करो, भगवान कामनी कांचन से मन हटाए। हम स्वयं नहीं कर सकते, भगवान की कृपा के बिना मन को हटाना इतना आसान, इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं सरल भाव से, छल नहीं होना चाहिए, एकांत में कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी प्रार्थना, लोगों को बताने के लिए दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे कामनी कांचन दूर कर दो, नहीं, एकांत में व्याकुल होकर श्री राम भगवान अपना हृदय अंतर सब जानते हैं, तो कहो तुम तो जानते हो मेरी क्या हालत, कितना मेरा मन विशेष खराब है, इसको दूर करके मुझे कृपा करके दर्शन। और आगे कहते हैं और डुबकी लगाओ, ये भी श्री राम कृष्ण कहते हैं, डाइव डीप। ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है, डुबकी लगानी पड़ती है, डाइव डीप। हम लोगों का मेडिटेशन, हम लोगों की प्रार्थना, हम लोगों का ध्यान जप, हम लोगों की साधना कितनी छिछली, कितनी सुपरफिशियल, एक रूटीन बना लिया, 1,000-5,000 जप करेंगे, ठीक है, अच्छा कोई बुरा ही नहीं, कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, रोज पढ़ेंगे, वचनामृत पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात पढ़ेंगे, अच्छा कोई बुरा ही नहीं, लेकिन वो गहरा नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर रहता है, हम भगवान को चाहते ही नहीं। और गहराई में जाने पर देखेंगे डूब 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 रूप सागरे, हमार मन यहाँ नहीं है, तल तलातल पाताल खोज ले पाबी रे रत्न धन, पाबी रे पुण्य रत्न धन। गहरे डूब लगाइए, यू विल गेट लॉट ऑफ ट्रेजर्स। हमारे अंतर में, हमारे हृदय में एक सागर है, उस समुद्र में आप डूब डुबकी लगाइए, रत्न मिलेंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य न्यू लाइट, संसार के संबंध में बहुत सारी नई दृष्टिकोण, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा, लेकिन गहरे डूबना पड़ेगा। ये बेहद गहरे कैसे डूबते हैं इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिद्यं।
तं राम कृष्णं शिरसा नमामः।